मुहतरम नाजरीन खुलासे कुरान की उन्नीसवीं नशिस्त में इसकबाल आज खुलासे की इस नशिस्त में नंबर की, आयत नंबर चौरानवे से दो सौ छह यानी इस सूरह आखिर तक का खुलासा पेश खिदमत है उम्मीद है कि बगौर समात फरमाएंगे अल्लाह रबीत फरमाता है का ये कानून है कि वो किसी भी बस्ती को बर्बाद नहीं करता मगर जब तक उसमें कोई आदमी डराने वाला भेज न दे जब डराने वाला भेज देता है फिर अल्लाह तुशहाली से लोगों को बदहाली में बदल देता है तकलीफ में डालता है ताकि लोग नेक हो जाएं, लेकिन जब लोग नेक नहीं होते तो अल्लाह ताला लोगों को खुशहाली देता है खुशहाल बना देता है अच्छा बना देता है तो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं फिर अल्लाह उन्हें पकड़ लेता है जबकि ईमान लाने का फायदा यह है अगर बस्ती वाले ईमान लाए तो हम उन पर आसमानों जमीन के बरकत खोल देंगे ईमान लाने का यह फायदा है तस्करा हुआ लंबा तस्करा चल रहा है किस्से हैं जो हम आपको सुना रहे हैं देखिए क्या अंजाम हुआ जुटलाने वालों का और मूसा सलात की कौम का वाक्य तफसीलन जिक्र हो रहा है

मिस्र के बादशाह का जी नहीं बल्कि यह लकब है जिस तरीके से फारस के बादशाह का लकब था किसरा रूम के बादशाह का लकब था कैसर हबशा के बादशाह का लकब था नजाशी वैसा ही था मिस्र के बादशाहों का लकब हुआ करता था फिर मूसा सलात के दौर में जो फिरौन था उसका नाम रामीस या रामासीस है

मूसा सलात फिर के दरबार में गए फिर ने कहा जो मूसा इसलिए आया है कि वो तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दे बोलो तुम्हारी क्या राय है लोगों ने कहा इन्हें निकाल दिया जाए जादूगरों को बुलाया गया ताकि पता चल जाए कि मूसा कितने पानी में है जादूगर जमा हो गए फख्र कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे क्या कहा ने कहा तुम अपने करतब दिखाओ जादूगरों ने करतब दिखाया लोगों के आंख परेशान हो गए लोग हैरान हो गए तमाम मशहूर हो गए जादूगरों की जादूगरी उन पर काम कर गई अब मूसा को अल्लाह ने वही की वही मूसा सा से कहा अल्लाह ने लाठी अपनी डालो लाठी जैसे ही जमीन पर रखा असदहांप बनकर सांप बनकर तमाम चीजों को निगल गई हक वाजे हो गया बातिल मिट गया जादूगर सजदे में गिर गए कहा आमन्ना बे रबिल आलमीन रब मूसा वारून हम ईमान लाते हैं आलमीन के रब पर जहान के रब पर जहान वालों के रब पर जो मूसा और हारून का भी रब है फिर

जादूगरों ने कहा वो मातम के मुमिन्ना इल्ला अना मन्ना भी आया तेरब भी ना लम्मा जातना रब्बना अफ्री गलाइना सबरों व तवफना मुस्लिमीन ये जुमला और ये बात पुराने जमाने से आज तक चली आ रही है और क्यामत तक चली आती रहेगी कि लोग जुल्म ढाते हैं जुल्म करते हैं इसलिए कि लोग ईमान लाए दूसरों पर जुल्म हो रहा है क्यों इसलिए कि वो ईमान लाए जादूगरों ने कहा फिरौन तू हमसे इंतकाम ले रहा है बदला ले रहा है सिर्फ ये बात कहने पर कि हमारा रब अल्लाह है दुआ किया अल्लाह तू हमें सब रता फरमा और हमारा खात्मा इस्लाम पर कर और हमें तू वफात मुसलमान होने की सूरत में दरबारियों ने कहा फिरौन अब मूसा और उनकी कौम का क्या हाल होगा जादूगर भी ई ले आए सनोकलो अबनाफो का कहा उनके बच्चों को हम कत्ल करवाएंगे उनकी औरतों को हम जिंदा रखेंगे हम जुल्म करने वाले हैं क्या हम उस पर जबरदस्त हैं हम ये काम कर सकते हैं फिर और कहा को दिलासा दिया सब्र से काम लो अल्लाह से मदद मांगो इन शाह जमीन अल्लाह के लिए है वो जिसको चाहता है दे देता है वल आकबतुल लेकिन अंजाम मोमिनों के लिए होगा फिर आगे तस्करा हो रहा है कि अल्लाह तला ने फिर और आजमाया من फलों को खत्म कर दिया शायद वह नसीहत हासिल कर ले जब अच्छाई होती थी तो वो कहता था लाना हाजी ये नेकी हमारी तरफ से फिर कहता था और जब कोई बुरी चीज आती हाँ ये मूसा और उनके कौम की बदशगुनी है अल्लाह ती مفصلات फस तक पर वान कौम मुजरम अल्लाह ने भेजा तूफान को टिड्डी को खटमल भेजे खटमल ज्यादा उग गए ज्यादा आ गए ज्यादा फल गए मेढक भेजा खून भेजा ये वाज निशानियां थी लेकिन उन लोगों ने तकबर किया गुरूर किया आए मूषा के पास क्या कहा दुआ कीजिए यह चीज हमसे खत्म हो जाए हम ईमान ले आएंगे अगर ये चीज़ खत्म हो जाएगी ये परेशानी खत्म हो जाएगी तो फिर भी ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने कहा फाग रखना तो हमने डुबो दिया आज भी फिर ओन की लाश जो मूसा के दौर में था मूसा के जमाने में था मिस्र के अंदर मौजूद है जो कुरआन की सच्चाई पर वाज दलील है अल्लाह ने कहा था सुर्ण सुर्ण नंबर दस आयत नंबर बानवे में फलियो मन जी का भी बदनिकले तक खलफक आया वसीर से अनाया लगा आज जिसे शक है कुरान की सदाकत पर कुरान की हक्कानियत पर कुरान के अल्लाह की तरफ से नाजिल होने पर वो मिस्र जाए और फिर और उनकी लाश को देख ले फिर ईमान ले आए उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा की कौम को विरासत दे दी किस तरीके से वो कौम कमजोर थी अब वो हाकिम बन गई है मूसा सलातम लेकर निकले इनको तो यह होना चाहिए था इस कौम का काम तो यह था कि वो कहते कि हम एक अल्लाह की इबादत करते लेकिन वहां मूसा से कह रहे हैं इजलना इलाहन वाहिदा कोई दूसरा मबूद बना दे अब मूसा सलात वसलाम चालीस दिन के लिए कोहे तूर पर चले गए अपने भाई को छोड़ दिया तबलीग करना हारून को अल्लाह से वहां कलाम किया कोहे तूर पर ख्वाहिश हो गई अल्लाह को देखने का रबनी अंजूर अलईक देख ले रब ने कहा नहीं देख सकते क्योंकि ये आंख है ही नहीं कि रब को देख सके रब ने अपनी रोशनी डाली नूर डाला तो बेहोश हो गए होश आया इन तुप तो अल कवानावोन मैं तेरी तरफ रुझू होता हूँ मैं पहला मोमिन आए वहां से इस दरमियान में क्या हुआ कौम के दरमियान इस दरमियान में सामरी नाम का एक आदमी था उसने जेवरात से एक बछड़ा बनाया और उसकी आवाज आने लगी वो लोग बछड़े की इबादत करने लगे बछड़े को पूजने लगे गाय की पूजा शुरू कर दी आए मूसा मूसलाम काफी गुस्से में थे आ हारून इसीलिए पीछे छोड़ा था

क्या करने के लिए ताकि वो लोग तोबा इस्तीफार करें अल्लाह से जो बछड़े की इबादत हुई है और अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह ने कहा ठीक है लेकिन मेरा अजाब उनको पहुंचेगा जो गलत काम करेंगे लेकिन मेरी रहमत व रहमती वसीयत कुल मेरी रहमत जो है वो हर चीज पर हावी है गालिब है एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सही मुस्लिम किताब किताबा किताब नंबर उनचास बाब नंबर चार हदीस नंबर दो हजार सात सौ तिरपन लाही में

कि उनके पास जो रहमत है अल्लाह के पास जो रहमत है उसका सौ हिस्सा किया रहमत का सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में भेजा जो आज लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वही मोहब्बत इंसान भी करते जिन्नात भी करते जानवर भी करते परिंदे भी करते जो रहमत नजर आ रही है वो अल्लाह की एक रहमत का बदला है वो अल्लाह की एक रहमत का असर है Allah ने रहमत के निानवे हिस्से अपने पास रखे हैं जो अपने बंदों पर करेगा के दिन। लेकिन किस बंदे पर? पर, फसाक उन बंदों पर जो नेक ईमान किए जक़ात अदा किए रसूल पहले वाले लोगों के बारे में कहा जा रहा इतबा करते और नबी उम्मी की इतबा करते नबी सौरैत और इंजील में उनके बारे में लिखा हुआ है भलाई का हुक्म देते बुराइयों से रोकते हलाल को हलाल कहते हराम को खत्म करते टिक्स को खत्म कर दिया तो जो लोग ईमान लाए अल्लाह के रसूल पर उनकी मदद की और ईमान लाए नूर पर जो हमने नाजिल किया नूर से मुराद कुरान है वही लोग कामयाब हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए आखिरी नबी बन के आए रसूल अल्लाह जमिया आप कह दीजिए ए लोगो मैं तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं तस्करा हो रहा वही मूसा की कौम का क्या हुआ अल्लाह ने बारह चश्मे निकाल दिए अल्लाह ने कहा कि कहो लकुम

कि वो किसी दरिया के किनारे पर थे अल्लाह ने कहा कि शनिचर के दिन तुम मछली का शिकार मत करना उन लोगों ने हीले बहाने तलाश किए क्या कर दिया पहले एक दिन गड्ढा खोद दिया ताकि उस दिन मछली उसमें आ जाए और दूसरे दिन उसका शिकार कर ले आपस में लोगों के दरमियान तीन गुरोह हो गया कुछ लोग बुराई करते थे कुछ लोग बोले थे हमें क्या लेना देना हम तबलीग नहीं करेंगे कुछ लोग थे जो समझाते थे तो अल्लाह ने आजाब नाजिल फरमाया क्या कहा कून करदत खासन जलील बंदर बन जाओ और हमेशा हमेश के लिए यहूदियों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है क्यामत तक के दिन तक क्यामत तक के लिए यहूदियों पर लानत है कैसी लानत कहा लेकिन आज जो फलस्तीन के अंदर उनकी हुकूमत कायम है तो वो किसके बलबूते पर है ये अल्लाह के रहमो करम पर लोग उनको देते हैं या फिर वो लोगों के रहमो करम पर अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं

और उससे पैमान लिया था कि एक अल्लाह को मानना क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं लोगों ने कहा क्यों नहीं लोग कहे हमें वो अहद याद नहीं क्या आप उनकी ये बात तस्लीम करेंगे जैसे कोई ये कहे कि माँ बाप ने मुझे पाला है पोसा है यह मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगा तो क्या कोई आदमी यह तस्लीम कर सकता नहीं करेगा अरे माँ बाप ने पाला पोसा वो सबको मालूम है तस्करा हो रहा दुनियादारों का कैसे दुनियादार लोग क्या कहते जब उन्हें बुलाया जाता तो अपनी खाश की पैरवी कर रहे हैं अल्लाह ने कहा इससे इस अच्छे तो चौपाए जानवर हैं बल्कि ये चौपाए से भी गए गुजरे आगे तस्करा और अल्लाह का बेहतरीन नाम है अल्लाह के उन नामों के जरिए पुकारो बेहतरीन नाम है चारो दस के निन्यानवे नाम है जो कोई उसको याद कर लेगा जन्नत में चला गया वो कैदी मतलब ने कहा हम इन लोगों को दुनियादारों को दुनिया दे रखे हैं ढील दे रहे हैं जब वक्त आ जाएगा तो हम पकड़ लेंगे फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता नबी के बारे में तस्करा हो रहा आप कह दीजिए मैं नफा नुकसान का मालिक नहीं क्योंकि मैं गैब नहीं जानता नबी आलमैब नहीं थे अगर मैं गैब जानता तो बहुत सारी भलाइया जमा कर लेता अल्लाह की ताकत बताई जा रही है अल्लाह ने तुम लोगों को एक जान से पैदा किया ये लोग जिनको पूज रहे हैं उनकी हकीकत क्या है

कुछ भी नहीं कर सकते फिर क्यों उसे बुलाते हो अब नबी को दावत तबलीग का तरीका बताया जा रहा खुजिल बिल उर्फ इम्मा गुजर से काम लीजिए भलाई का हुक्म दीजिए रू कीजिए एराज कीजिए उनको छोड़िए माफ फरमाइए अगर शैतान कभी आपको भटका दे तो मिन शैतान रजीम पढ़िए आदमी को जब गुस्सा आ जाए तो उजबिल्लाम शैतान पढ़ना चाहिए बैठ जाना चाहिए पानी पी लेना चाहिए ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए कहा जा रहा है जब कुरान पढ़ा जाए सुनो शायद कि अल्लाह तुम पर रहम करे खामोश रहो यह आयत यह है कि काफिरों की हालत यह थी जब कुरान पढ़ा जाता तो जोर जोर से चिल्लाते तो उनको कहा जा रहा है चिल्लाओ नहीं कुरान पढ़ा जा रहा है पढ़ो तो नबी को कहा जा रहा है आप रब को याद कीजिए जो लोग रब को याद नहीं करते सजदे नहीं करते वो लोग तकबर कर रहे हैं अल्लाह तला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों को अच्छे तरह समझने की और फिर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू